शायद ये नहीं जानते होंगे कि पारसी कम्युनिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही है, और वो प्रॉब्लम है कि अपने कम्युनिटी के मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार कैसे करें। पारसी लोगों का एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है अंतिम संस्कार करने का, इसको कहा जाता है डोक मेनाशने। ये ना ही बॉडीज को दफनाते हैं ना ही जलाते हैं, क्योंकि उनके कल्चर में आग और जमीन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो नेचर को यूज करते हैं अंतिम संस्कार के लिए। वो डेड बॉडी को एक खुले जगह में डाल देते हैं ताकि वल्चर्स मतलब गिद्ध उस डेड बॉडी को डीकम्पोज कर पाए। इन जगहों को कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। पिछले 15 सालों में इंडिया की वल्चर पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 99% तक गिर गई है। गिद्ध बस आधा घंटा लगाते थे एक बॉडी को डीकम्पोज करने के लिए, क्योंकि अब उनकी पॉपुलेशन इतनी गिर चुकी है कि कई बॉडीज को लंबे टाइम तक रखना पड़ता है ताकि वो डीकम्पोज हो जाएं। इसलिए टावर ऑफ साइलेंस के आसपास बदबू अब बहुत लंबे समय तक रहती है। डॉक्टर्स ने यह भी कहा है कि इस चीज की वजह से कम्युनिटी में बीमारियां आ सकती है। इसका मतलब यह है कि उनके कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट भाग अब वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे।